कोई दिल बेकाबू कर गया और इश्का दिल में भर गया, आंखों आंखों में वो लाखों गल्ला कर गया वे, और अब्बा मैं तो मर गया वे, शदाई मुझे कर गया वे, और अब्बा मैं तो मर गया वे, शदाई मुझे कर गया वे। एक कुड़ी जिदा नाम मोहब्बत, गुम है गुम है हाय, साध मुरादी सोनी फाबत, गुम है गुम है, सारा जग छड़ के बस तैनू ही है चुने या, सारा जग छड़ के बस तैनू ही है चुने या, लख कया दिल नू पर फेर भी है अड़ेया, लख कया दिल नू पर फेर भी है अड़ेया, हो मैं गया हंजुआ दा दरिया तेरे लिए की नहीं करया, वेख जीते जी मैं मरया, हाँ हो मैं गया हंजू बांदा दरया, मतलब मेरी तारीफ कर रहे थे वो, मैं क्या बोलूँ अपने शब्दों में, उनके शब्दों में, बस वो बोले कि आप यार कैसे करते हो। खैर अपने डैड को भी याद कर रहे होंगे, और उनकी लाइफ का ये बहुत ही प्यारा प्रोजेक्ट है, बिकॉज जिसमें एक्टिंग की एक एक्टिंग बेशुमार है, इसमें काम बहुत अच्छा दिखाया गया है बाबिल का, और गाने 1940s के एरा के बनाए गए हैं, तो बहुत बखूबी अनविता जी ने इसको पिरोया है सब कास्टिंग को, और अमित त्रिवेदी जी का म्यूज़िक आप तो जानते ही हैं। तो सुनाइए, गुनगुना दीजिए एक लाइन। मुझे लिरिक्स चाहिए रहेगा उसके लिए। शाखों की सूनी बाहें ये शजर ये सर्द हवाएं, तेरे अक्स के जख्म सुलाएं, टुकड़े टुकड़े दोहराए, पपीहे की प्रेम निशानियाँ, पपीहे की प्रेम निशानियाँ, मेरे तिड़ के दिल दी रुबाइयाँ, मेरे तिड़ के दिल दी रुबाइयाँ करके है, बहुत ही खूबसूरत गाना है। बिखरने का मुझको शौक है बड़ा, समेटेगा मुझको ये बता जरा, ओ बिखरने का मुझको शौक है बड़ा, समेटेगा मुझको ये बता जरा जरा। हाँ जी, सत श्री अकाल, आदाब, प्रणाम, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाहिद माल्या और आप देख रहे हैं नभा टाइम्स डिजिटल। आपको बहुत बहुत स्वागत है शाहिद, और थैंक यू ढेर जी। सारी शुभकामनाएं। आपके दो गाने आए हैं अभी कला में, और दो आने वाले हैं। और दो आने वाले हैं, तो इन सब की बात करेंगे, लेकिन इस समय आप खबरों में हैं कला को लेकर। यहाँ पे खूब गाने आपने गाए हैं, जी बताइए कैसे, मतलब किस तरह के गाने हैं, किस मूड के गाने हैं। इसे इरफान का बेटा लॉन्च हुआ है, बहुत बड़ी बात थी। अभी मतलब जो उसकी वॉइस बनता है अभी, तो एक अलग तरह से जुगलबंदी आप दोनों की आगे चल सकती है। पहले तो राइट, ऐसा ही होता था ना, जी किसी जी साहब के लिए जी कोई गाना होता था। बताइए। इरफान खान साहब बहुत ही कमाल के आर्टिस्ट थे, और उनकी कलाकारी, उनकी एक्टिंग हमेशा याद रखी जाएगी। उसके अलावा बहुत अच्छे इंसान थे, और मैं उनका हमेशा से फ़ैन रहा हूँ। और बाबिल
अपने पिताजी के कदमों पे बिल्कुल चलते हैं, उनके संस्कार दिखते हैं उनमें, इरफान भाई के। और जब मैं डब कर रहा था कला के गाने, तो बाबिल वहाँ मौजूद थे डबिंग्स में, हर डबिंग में वो थे, और वो कॉन्स्टेंटली रो रहे थे। तो मैं उनसे मजाक में जाके पूछता, मैं कहा बाबिल यार आपको गाना इतना बुरा लगा कि आप रो रहे? तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे मतलब मेरी तारीफ़ कर रहे थे वो, मैं क्या बोलूँ अपने शब्दों में, उनके शब्दों में। बस वो बोले कि आप यार कैसे करते हो। खैर अपने डैड को भी याद कर रहे होंगे, और उनकी लाइफ का ये बहुत ही प्यारा प्रोजेक्ट है, बिकॉज़ जिसमें एक्टिंग की एक एक्टिंग बेशुमार है, इसमें काम बहुत अच्छा दिखाया गया है बाबिल का, और गाने 1940s के एरा के बनाए गए हैं, जो बहुत बखूबी अनविता जी ने इसको पिरोया है सब कास्टिंग को। और अमित त्रिवेदी जी का म्यूज़िक आप तो जानते हैं। तो सुनाइए, गुनगुना दीजिए एक लाइन। शाखों की सुनी बाहें ये शजरे ये सर्द हवाएं, तेरे अक्स के जख्म सुलाएं, टुकड़े टुकड़े दोहराए, पपीहे की प्रेम निशानियाँ, पपीहे की प्रेम निशानियाँ, मेरे तिड़ के दिल दी रुबाइयाँ, मेरे तिड़ के दिल दी रुबाइयाँ करके है, बहुत ही खूबसूरत गाना है। बिखरने का मुझको शौक है बड़ा, समेटेगा मुझको ये बता जरा, ओ बिखरने का मुझको शौक है बड़ा, समेटेगा मुझको ये बता जरा जरा। कंबाइन किया है, उसकी दो लाइनें ये सुनाता हूँ कि पैर लम्बे निकी चादरा, कफ़न पूरा ढकना, जो भी खाया वो था अपना, बाकी ता अहमद शादा। क्या आपको पूरा सुनना होगा? हर तुन गाओ निर्गुण निरपो, हर गुण गाओ निर्गुण निर्वैर, हर गुण गाओ निर्गुण निरपो, हर गुण गाओ निर्गुण निर्वैर।